डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये सीरीज का सेकेंड पार्ट है जिसमें हम आरागोर की बुक में एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में दिए हैं कि ऑप्शंस में दिए हैं, इनमें से कौन सा ऐसा ब्रिक वर्क है जिसको क्यूबिक मीटर में मेजर करेंगे। बेसिकली स्टैंडर्डाइज किया हुआ है कि ये इस टाइप का अगर वर्क हुआ तो इसकी यूनिट यह रहेगी, और ये डिपेंड करता है कि कितनी डायमेंशन उसकी सिग्निफिकेंट है। और बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, और बहुत ही सिंपल बेसिक से टॉपिक है। लॉजिक यहाँ पे यह है कि कोई वॉल्यूमिनियस या थिक वर्क है तो लेंथ, ब्रेथ, विड्थ तीनों ही उसकी लास्ट डायमेंशन होंगी, तो वॉल्यूम में मेजर करेंगे। अगर जैसे कहीं फ्लोरिंग का करना है तो थिकनेस तो सिग्निफिकेंट नहीं होगी कंपेयर टू लेंथ एंड विड्थ, तो हम वहाँ पे एरिया मेजर कर लेंगे। थर्ड होता है कि जैसे कि कोई एजेस के अकॉर्डिंग कोई डेकोरेटिव वर्क करना है, तो अब यहाँ पे विड्थ और डेप्थ दोनों ही सिग्निफिकेंट नहीं है कंपेयर टू लेंथ, मेजर जो डायमेंशन है वो लेंथ है, तो इसको स्क्वायर मीटर सॉरी रनिंग मीटर में मेजर कर लेंगे। और इसको मेमोराइज करने का सबसे अच्छी तरीका ये है कि आप खुद से एक बार सबकी डायमेंशन लिख लें, जो भी दिए हुए हैं टेबल है एक बुक में बड़ी सी, कि इसका ये होगा इसका ये होगा। कहीं कहीं पर आप मिस्टेक करोगे, वहां पर फिर आप सोल्यूशन देखोगे और तो फिर आपको याद रह जाएगा हमेशा के लिए। अब जैसे यहाँ पर ए में दिया है वन और मोर देन वन ब्रिक वॉल, तो अगर थिक वॉल जहां पर भी होगी वहां पर मीटर क्यूब में मेजर करेंगे। आरसीएस में ब्रिक वर्क होगा मीटर क्यूब में मेजर करेंगे। रेनफोर्स्ड ब्रिक वर्क होगा मीटर क्यूब में मेजर करेंगे। बट हाफ ब्रिक वॉल है, इसकी थिकनेस बहुत कम होगी कंपेयर टू लेंथ एंड विड्थ, तो इसको मीटर स्क्वायर में मेजर करेंगे। तो डी हो जाएगा यहाँ पर आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है, ये भी इसी तरीके से है। इसमें दिया है कि कौन से को स्क्वायर मीटर में मेजर करेंगे। तो हनीकॉम्ब ब्रिक वर्क कुछ इस तरीके से होता है, ये है जैसे, तो इसकी थिकनेस बहुत कम होगी। थिकनेस कम है तो लेंथ और विड्थ ही है इसकी मेजर जो डायमेंशन है वो, तो इसको स्क्वायर मीटर में मेजर करेंगे। ब्रिक फ्लैट सोलिंग है, कहीं पर लेयर रखनी है एक ब्रिक्स की, तो इसको भी स्क्वायर मीटर में मेजर करेंगे क्योंकि थिकनेस कम होगी। हाफ ब्रिक वॉल या पार्टीशन वॉल होते हैं उनको भी स्क्वायर मीटर में मेजर किया जाता है। तो आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में दिए है कि ऑप्शंस में दिए उनमें कौन सा ऐसा है जिसका मेजरमेंट है वो स्क्वायर मीटर में किया जाएगा। तो सीमेंट कंक्रीट फाउंडेशन में जो होगा वॉल्यूमिनियस होगा वो, लेंथ विड्थ और डेप्थ तीनों ही डायमेंशन सिग्निफिकेंट होंगी, तो इसको मीटर क्यूब में करेंगे। आरसीसी स्ट्रक्चर का भी मीटर क्यूब में होगा। होलो कॉन्क्रीट ब्लॉक वॉल है, इसका भी क्यूबिक मीटर में होता है। कॉन्क्रीट के ब्लॉक्स की वॉल है कोई, होलो है। कॉन्क्रीट फेंसिंग पोस्ट है, कंक्रीट फेंसिंग पोस्ट मतलब ऐसे पोस्ट रखते हैं कंक्रीट के बने हुए और उसके बाद यहाँ पर फेंसिंग की जाती है। तो ब्लॉक्स जो है यहाँ पर सॉरी पोस्ट ये जो है इनका मीटर क्यूब में मेजर करेंगे। तो ये हो जाएगा नन ऑफ दीज। दिए है कि यहाँ पर ऑप्शंस में दिए हैं इनमें से कौन सा ऐसा है जिसका मेजरमेंट है वो स्क्वायर मीटर में नहीं किया जाता। तो स्क्वायर मीटर में मेजरमेंट किया जाता है डैम प्रूफिंग कोर्स का, हनीकॉम्ब ब्रिक वर्क, कॉन्क्रीट जेफरीज, स्टोन वर्क, वॉल फेसिंग, लाइम टेरेसिंग, जैक आर्क रूफिंग, डोर्स एंड विंडो शटर्स। तो डीपीसी का तो मीटर स्क्वायर हो गया। फॉर्मवर्क में भी हम एरिया को कवर करने के लिए फॉर्मवर्क लगाते हैं, तो इसका भी मीटर स्क्वायर होगा। कंक्रीट जेफरीज का मीटर स्क्वायर हो गया। जेफरीज एक काइंड ऑफ जाली जैसा स्ट्रक्चर होता है जो रेलिंग वगैरह पे लगाते हैं। आरसी छज्जा है, इसका रनिंग मीटर में करते हैं। इसके अलावा रनिंग मीटर में क्या क्या होता है, आरसी छज्जा, कॉर्निसेज, स्ट्रिंग कोर्स, हैंड्रेल्स, वायर फेंसिंग। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है कि ऑप्शंस में दिए हैं इनमें से कौन सा ऐसा है, ऐसा स्टोन वर्क है जिसका मेजरमेंट है वो स्क्वायर मीटर में किया जाता है। तो वॉल फेसिंग जो स्टोन वर्क है उसको स्क्वायर मीटर में मेजर करते हैं, और ड्रेस्ड स्टोन वर्क जो होता है उसको स्क्वायर मीटर में मेजर करते हैं। तो ये दोनों ही स्क्वायर मीटर में है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 21 में दिए है कि ऑप्शंस में दिए हैं उनमें से कौन सा ऐसा है जिसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट है वो पर क्विंटल है। तो कोलैप्सिबल गेट्स जो होते हैं इनका स्क्वायर मीटर में किया जाता है। रोलिंग शटर का भी स्क्वायर मीटर में किया जाता है क्योंकि थिकनेस इनकी इंपॉर्टेंट नहीं होती, सिग्निफिकेंट नहीं होती है कंपेयर टू लेंथ एंड विड्थ। एक्सपांडेड मेटल वायर नेटिंग है, इसका भी स्क्वायर मीटर में होता है। माइल्ड स्टील का कोई रेनफोर्समेंट वर्क अगर हमें करना है तो उसको क्विंटल में करेंगे कि इतना क्विंटल स्टील लगेगा इस आरसीसी वर्क में। तो डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में दिए हैं
कि एरिया को हम मेजर करेंगे तो किस यूनिट तक हम करेक्ट करेंगे, बेसिकली कैलकुलेट करने के बाद हम उसको राउंड ऑफ कर देते हैं, तो कितने तक करेक्ट होना चाहिए। तो इसके ये तीन रूल हैं, डायमेंशन जो लेंथ विड्थ और डेप्थ, ये 0.01 मीटर तक एक्यूरेट रखते हैं 1 सेंटीमीटर तक, एरिया है ये 0.01 स्क्वायर मीटर तक, और क्यूबिक कंटेंट है ये 0.01 क्यूबिक मीटर तक। तो 0.01 ही याद रखना है आपको, मीटर मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब तो हो जाएगा जो भी जिसकी भी ये यूनिट है उसका। तो यहाँ पे ए हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 में दी है कि वॉल्यूम कितने एक्यूरेट तक का मेजर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में दी है कि वॉल्यूम कितनी एक्यूरेसी तक मेजर करते हैं, तो 0.01 मीटर क्यूब हो जाएगा जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में देखा, और यहाँ पर भी ये मैंने मेंशन किया है, तो ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में दिए है कि वेट है वो कितनी एक्यूरेसी तक मेजर करते हैं, तो 1 kg होता है वेट का, डी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया है कि करेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड करना है, ब्रिक्स आर पेड पर 1000, तो हर एक का पेमेंट का रेट का एक फिक्स्ड यूनिट है उसमें ही किया जाता है, जैसे ब्रिक्स का होता है रेट मेंशन किया होगा 1000 ब्रिक्स है उनका ये प्राइस होगा, तो ये करेक्ट है। सीमेंट के बैग है वहां पर 50 kg का प्राइस फिक्स होता है, एक जो उसका बैग आता है सीमेंट का, लाइम का क्विंटल में किया जाता है, और ब्रिक एग्रीगेट्स है इनका क्यूबिक मीटर में वॉल्यूम के बेसिस पे किया जाता है, तो चारों ही करेक्ट है, यहाँ पर ई हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 में दिए हैं कि डिटेल्ड एस्टिमेट करते हैं तो डायमेंशंस कहाँ तक हम लेते हैं, तो सेम इस पे हम पहले दो क्वेश्चन कर चुके हैं कि एरिया 0.01 मीटर तक होता है, सॉरी लेंथ 0.01 मीटर तक, एरिया 0.01 स्क्वायर मीटर तक, और वॉल्यूम 0.01 क्यूबिक मीटर तक होता है, तो डी आंसर हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 27 में दिए है कि करेक्ट स्टेटमेंट को पिक करना है यहाँ पर, और ये स्टेटमेंट दिए हैं सेंटर लाइन मेथड के रिगार्डिंग, तो हम एक बार देख लेते हैं सेंटर लाइन मेथड क्या होता है। तो जैसे कि ये कोई रूम का है, उसकी ड्राइंग है, हमें इसका ब्रिक वर्क है उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, यहाँ पे सारी वॉल्स में ब्रिक वर्क करना है, और ये वॉल्स हैं चार, ये और ये। तो अब इसके दो मेथड हो सकते हैं, एक होता है लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड, एक होता है सेंटर लाइन मेथड। लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल को हम आगे के क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे, यहाँ पर मैं सेंटर लाइन मेथड एक्सप्लेन कर देती हूँ। बेसिकली हमें ये सारा एरिया निकालना होगा, फिर हम हाइट हमें पता होगी तो हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। अब एरिया निकालने के दो तरीके हो गए, सेंटर लाइन मेथड में हम क्या करते हैं कि ये डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सेंटर लाइन के अकॉर्ड अलोंग जो टोटल डिस्टेंस है वो मेजर कर लेते हैं, और इसको थिकनेस से मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर हम विड्थ कह सकते हैं, इस विड्थ से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये सारा एरिया आ जाएगा। अब जब ड्राइंग होंगी तो हमारे पास तो ये डायमेंशंस होंगी, यहाँ पर L1, ये वाले डायमेंशन हो गई L2, मान रहे हैं हम यहाँ पे कि थिकनेस है वो थ्रू आउट सेम है वॉल की, तो अब ये L1 है और थिकनेस मान लिया कि T है, तो हमें यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस निकालनी है, तो यहाँ पर हम T/2 माइनस करेंगे, और यहाँ पर भी ये थिकनेस का हाफ है वो माइनस करेंगे, तो L1 माइनस T/2 माइनस T/2, अब हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस आ गई। अब हमें इस वाले वॉल के अलोंग निकालना है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, L2 में से ये T/2 माइनस करेंगे, L2 तो यहाँ तक था, और ये वाली जो हाफ ऑफ थिकनेस है वो माइनस करेंगे, और सेम ये ही यहाँ पर होगा, ये वॉल की अगर टी थिकनेस है तो ये डिस्टेंस हो जाएगी T/2, जिसको हम L2 में से माइनस कर देंगे, इसको फिर ये जो थिकनेस है इसे मल्टीप्लाई करके एरिया निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं कि स्टेटमेंट्स क्या क्या दिए हैं। फर्स्ट में दिया है कि सेंटर लाइन की जो लेंथ है उसको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ एनी आइटम से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल क्वांटिटी आ जाएगी, तो बेसिकली ये सेंटर लाइन है, इसको हम यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, ये जो डायमेंशन है इसके परपेंडिकुलर जो एरिया है वो एरिया क्या होगा, हाइट इंटू ये वाली जो विड्थ है, हाइट इंटू विड्थ है जो वॉल की, हाइट इंटू वॉल की विड्थ है, इसको अगर मैं सेंटर लाइन की डिस्टेंस जो है उससे मल्टीप्लाई करूंगी तो ये सारा का सारा वॉल्यूम आ जाएगा। बी में दिया है कि सेंटर लाइन इज वर्कड आउट सेपरेटली फॉर डिफरेंट सेक्शंस ऑफ वॉल्स ऑफ ए बिल्डिंग, तो कहीं पे विड्थ डिफरेंट है या कुछ प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं, तो ऐसे में फिर हम अलग अलग वॉल के लिए अलग अलग निकालेंगे। सी में दिया है कि सेंट्रल लाइन लेंथ है उसको रिड्यूस करेंगे हाफ द लेयर ऑफ मेन वॉल
ज्वाइनिंग द पार्टीशन वॉल, कहीं पे मैन वॉल और पार्टीशन वॉल का जॉइंट आ रहा है, तो सेंट लाइन की जो लेंथ है उसको रिड्यूस करेंगे मेन वॉल जो है उसकी थिकनेस के हाफ से। इसको अच्छे से समझने की जरूरत है, एक बार ध्यान से देखिए कि यहाँ पर पार्टीशन वॉल है और ये वाली है, ये है पार्टीशन वॉल, ये वाली है मेन वॉल। अब जब हम सेंटर लाइन से लेंगे तो ये वाली डिस्टेंस लेंगे यहाँ पे, और इसके सेंटर से लेंगे यहाँ तक की डिस्टेंस लेंगे। अब क्या हो रहा है कि ये वाली जो रेड कलर से मैं शो कर रही हूँ यहाँ पे, ये वाला एरिया 2 बार काउंट हो गया है। एक बार ये मेन वॉल के साथ में काउंट हो गया है, एक बार इसके साथ में काउंट हो गया है, तो हमें इसको एक बार हटाना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। इसलिए अगर एक जॉइंट आ रहा है तो जो सेंटर लाइन की लेंथ है उसको टी, अगर मेन वॉल की थिकनेस है तो T/2 से हम लेस कर देते हैं, ताकि ये वाला एरिया है वो एक बार घट जाए, क्योंकि ये 2 बार आ चुका है। 2 बार क्यों आया है, एक बार इस वाली वॉल के साथ में और दूसरी बार इस वाली वॉल जो पार्टीशन वॉल है इसके साथ में। तो ये भी करेक्ट है, डी आंसर हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 28 में दिए है कि सेंटर लाइन मेथड है ये स्पेशली कहाँ पर अडोप्टेड होता है। आर्गर के जो भी एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग के क्वेश्चंस हैं, ये चक्रवर्ती की एक बुक है एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग की, वहां से एज इट इज फ्रेम किए गए हैं, लाइन टू लाइन वहां पर पिक कर किया गया वहां से। तो यहाँ पर दिया गया है कि सेंटर लाइन जो मेथड है इसको जनरली अडॉप्ट किया जाता है अगर सर्कुलर, हेक्सागोनल, ऑक्टागोनल इस टाइप की शेप की कोई बिल्डिंग है। और ये आपको रियलाइज भी हो रहा होगा कि वहां पर लॉन्ग वॉल, शॉर्ट वॉल मेथड हम आगे पढ़ेंगे, वो हम नहीं लगा सकते वहां पे। तो सेंटर लाइन के अलोंग जो है वो डिस्टेंस मेजर कर ली और फिर थिकनेस से मल्टीप्लाई करके सिंपली एरिया निकाल लिया, तो चारों पे ही अप्लाई करते हैं, तो ई हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 29 में दिए है कि लॉन्ग और शॉर्ट वॉल मेथड है, इससे एस्टिमेशन करने के लिए जब हमें लॉन्ग वॉल की लेंथ कैलकुलेट करनी होगी तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है वॉल्स के बीच की, उसमें हम क्या एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। तो ये एक रूम की ड्राइंग है, ये बीच में जो डॉटेड लाइन से दिखा रखी है ये सेंटर लाइन है और ये वॉल का सेंटर है, इधर वाली वॉल है इसका सेंटर है ये। लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड में क्या करते हैं, हम विड्थ है वो एक ही साइड में ऐड कर देते हैं, इस तरीके से बना देते हैं इसको। तो पूरी की पूरी जो वॉल की विड्थ है वो हमने इस साइड में ऐड कर दी, अब इसको हम बोल देते हैं लॉन्ग वॉल। और दूसरी साइड है इसमें तो यहीं से यहां तक ही लेंगे हम डिस्टेंस, अब तो ये हो गए शॉर्ट वॉल। अब टोटल लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं फिर थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो लॉन्ग वॉल को थिकनेस से करेंगे तो ये वाला एरिया आ जाएगा, ये दो नीचे रेक्टेंगल बन रहे हैं, और शॉर्ट वॉल वाले को दोनों को ऐड करके करेंगे तो ये इधर वाला एरिया आ जाएगा, दोनों साइड का ऐड करेंगे तो दोनों साइड का आ जाएगा। अब हमें लॉन्ग वॉल की लेंथ कैलकुलेट करने के लिए पूछा है, मतलब हमें ये वाली लेंथ कैलकुलेट करनी है। मान लिया कि वॉल है इसकी थ्रू आउट विड्थ है वो बी है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होगी यहां से लेके यहां तक ये वाली डिस्टेंस, तो इसमें कितना ऐड करना होगा हमें, ये वाली डिस्टेंस है ये सेंटर टू सेंटर की डिस्टेंस है, इसमें हमें कितना ऐड करना होगा कि हमें ये जो एल है लॉन्ग वॉल की लेंथ ये मिल जाए। तो क्या कितना करेंगे, विड्थ का हाफ तो यहाँ पे करेंगे B/2, और विड्थ का हाफ ही B/2 करेंगे वो यहाँ पर करेंगे, तो टोटल मिला के कितना हो गया ब्रेथ ऑफ द वॉल। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस में ब्रेथ ऑफ द वॉल हम ऐड करेंगे, टोटल मिला के ब्रेथ ऑफ द वॉल अगर ईच साइड का पूछे तो B/2 हाफ ऑफ द ब्रेथ ऑफ द वॉल बी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 है, यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है, फिगर दिया है और पूछा है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा। दिया है कि सेंटर लाइन की टोटल लेंथ होगी चारों वॉल्स की वो 20 मीटर होगी, तो ये है 4.8 मीटर, ये वाली है 6.8 मीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक की हमें निकालनी है तो हम 6.8 में से माइनस कर देंगे, थ्रू आउट द वॉल सेम ही है तो 0.4 तो यहाँ पे माइनस करेंगे और 0.4 ही यहाँ पे माइनस करेंगे, इसका ट्वाइस कर देंगे क्योंकि दो है ऐसी, प्लस इसका निकालना होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये 4.8 है, 4.8 में से माइनस करेंगे 0.4 एक साइड का, 0.4 ही दूसरी साइड का, तो ये 6 बचेगा, 6 × 2 प्लस 4 × 2 तो ये आ जाएगा 20 मीटर। ए तो करेक्ट है, बी में दिया है लॉन्ग वॉल है उसकी आउट टू आउट लेंथ है वो 6.2 मीटर है, तो दी हुई है हमें सीधी डायरेक्टली यहाँ पे। सी में पूछा है कि शॉर्ट वॉल की लेंथ है वो कितनी होगी इन टू इन, तो यहाँ पर तो ये दे दिया है इन्होंने कि इन टू इन लेनी है, आउट टू आउट लेनी है, बट
वैसे ये स्टैंडर्ड ही होता है कि लॉन्ग वॉल है तो हम इस तरीके से लेंगे, आउट टू आउट यहाँ से लेके यहाँ तक ही लेंगे, और शॉर्ट वॉल है उसकी अंदर से अंदर तक लेंगे, इन टू इन ये वाली। तो ये 4.8 हमें दी हुई है, हमें ये वाली निकालनी है। तो ये निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 4.8 में से ये 0.8 तो यहाँ का घटा देंगे और दूसरी साइड भी टोटल थिकनेस ही घटाएंगे 0.8। तो ये 4.8 में से 0.8 माइनस 0.8 तो ये आ जाएगा 3.2 मीटर। तो सी भी करेक्ट है, डी आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।